हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय होलिस्टिक डाइटिशियन। आज हम इस वीडियो में एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि एसिडिटी क्या है। सो एसिडिटी स्टमक में एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन की वजह से हमें हार्ट बर्न होता है या एसिड रिफ्लक्स जैसा होता है। तो जनरली स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एसिडिटी होता है। सो एसिडिटी के बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें एसिडिटी हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न मीन्स इन्फ्लेमेशन, जलन जैसा फील होता है। सेकंड वॉमिटिंग जैसा होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन या नोजिया जैसा फील होता है। किसी किसी को अर्ली मॉर्निंग उठते तो नोजिया जैसा फील होता है, तो वो एसिडिटी का साइन है। किसी किसी को इनडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग, स्टमक बहुत हैवी हो जाता है, भूख नहीं लगती है, या तो फिर अदर साइंस में बर्निंग सेंसेशन होता है थ्रोट में या स्टमक में। सो मेन आता है एसिडिटी क्यों होता है, एसिडिटी के कॉज क्या है, रीज़न क्या है। तो बहुत सारे एसिडिटी के रीजन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग, तो स्मोकिंग करते हैं उससे भी एसिडिटी बढ़ता है। किसी किसी को ड्रिंक करने की हैबिट होती है, अल्कोहल ने वो सब, तो उससे भी एसिडिटी होता है। स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते हैं, टेंशन आप ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी होता है। किसी किसी को कैफीन की हैबिट होती है कि पूरे दिन में चाय कॉफ़ी 8-10 कप पीते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव कैफीन पीने से भी एसिडिटी होता है। ओवर ईटिंग करते, ज़्यादा खा लेते, स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स ही डेली कंजप्शन होता है, मोस्टली ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उस वजह से भी एसिडिटी होता है। कुछ लोग का बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, लाइक ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच, फिर डायरेक्ट डिनर, एंड लॉन्ग गैप्स होता है, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी होता है। और कुछ लोग खाने के बाद डायरेक्ट सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी होता है। ये सब एसिडिटी के रीजंस हैं। तो बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ आती है जिससे एसिडिटी क्योर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनाना है, तो बनाना आप खाते हैं तो उससे क्या एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो प्रिवेंशन होता है। सेकंड आप कोल्ड मिल्क पी सकते हैं, तो कोल्ड मिल्क से बॉडी में पीएच बैलेंस होता है और एसिडिटी कम होती है। थर्ड है फेनल सीड्स, तो फेनल सीड्स से ब्लोटिंग कम होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है और एसिडिटी कम होती है। फोर्थ है मिंट लीव्स, फुदीना आप डेली खाते हैं तो वो नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है और एसिडिटी कम करता है। एंड फिफ्थ है बटर मिल्क, जो आप डेली आप लंच में पीते हैं तो उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, एसिडिटी भी कम होता है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जिससे आप एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड से एसिडिटी बढ़ता है सिम्टम्स, वो फूड्स हमें अवॉइड करना है। जैसे कि चाय कॉफ़ी हम ज़्यादा पीते, 8-10 कप्स पीते, तो उसकी जगह आप 2-3 कप्स पी लो। एंड ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स जितना हो सके इतना अवॉइड करना। आप नॉर्मल माइल्ड फ्लेवर का खाना खाएंगे तो उससे आपका एसिडिटी कम होगा। ज़्यादा लार्ज एंड लेट मील्स हमें अवॉइड करना है, उसकी जगह पर आप स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स प्रिफर कीजिए, तो उससे आपका एसिडिटी भी कम होगा, आपका बॉडी भी हेल्दी रहेंगी। और खाने के बाद जो डायरेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करना है। खाने के 1-2 आवर्स के बाद आप सोएंगे तो आपका एसिडिटी इशू नहीं होगा। एंड मेन स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल ड्रिंकिंग अवॉइड करना है। और कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो जिसका वेट ज़्यादा हो वो थोड़ा वेट लॉस करेंगे तो उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और कुछ लोग को स्ट्रेस ज़्यादा होता है उसकी वजह से भी एसिडिटी होता है। तो आप योगा करेंगे, कुछ एक्सरसाइज इसे करेंगे तो जिससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज में रहेगा और आपका एसिडिटी भी कम होगा। सो इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ आपको कुछ क्वेरी हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच।